उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गौकशी पर रोकथाम व गौकशी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जब मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने गौकशी करने वाले अपराधियों को नाजायज असलाह व कारतूस गौकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना रामगढ़ पुलिस टीम गौकशी करने वाले अपराधियों की पतारती सुरागती में मामूर थी। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रामगढ़ रोड पुराना थाना के सामने पार का नगला साविर डेरी बाउंड्री में कुछ लोग गायों को काटने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर विश्वास करके थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा बिना देरी किए बाउंड्री का दरवाजा खोलकर प्रवेश किया तो देखा बाउंड्री में अंदर बने अंडरग्राउंड कमरे में चार व्यक्ति दो गाय जिसके चारों पैर रस्सी से बंधे उसको गिरा रखा है, जिसमें तीन व्यक्तियों के हाथ में छुरी व एक व्यक्ति के हाथ में बांका था तथा एक बांका व दो छुरी व लोहे की नुकील रॉड जमीन पर लकड़ी की अड्डी के पास पड़ी थी तथा एक व्यक्ति तीसरी गाय को हाथ में पकड़े खड़ा हुआ था। समस्त व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर समय लगभग 2:10 पर छपट्टा मारकर मौके से भाग निकले। घेराबंदी करके पकड़ना चाहा तो उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से अपने पास मौजूद नाजायज असलाह से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके प्रति उत्तर में गिरफ्तारी हेतु आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त नौशाद के बाएं पैर में गोली लगी जिससे वह घायल होकर गिर गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में असलाह कारतूस बरामद कर इलाज हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भर्ती कराया। देखिए, थाना रामगढ़ पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि नगला पार एक बंद बाउंड्री में कुछ गाय जो है पकड़ के रखी हुई हैं, गौकशी होने वाली है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस जो है रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से तीन जीवित गायें और छुरी कट्टे तराजू इलेक्ट्रॉनिक तराजू और अन्य सामान जो गौकशी के लिए प्रयुक्त होते हैं वो बरामद किया गया। तीन जिंदा गायें बरामद की गई। मौके से दो अभियुक्तों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि दो और लोग थे, जैसे आपकी सूचना प्राप्त आप लोग आए हैं वो लोग भाग गए हैं। उनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान जो है अब्बास नगर में उन दोनों व्यक्तियों को घेर लिया गया, जहां उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें से एक व्यक्ति जो नौशाद जो थाना गुरसिंह सहायक कन्नौज का रहने वाला है, जिसमें ऑलरेडी गौ तस्करी के पहले से आधा दर्जन मुकदमे हैं, उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें तीन अन्य लोग गिरफ्तार किए हैं, जो जिसमें से एक साबिर है, ये उसी की बाउंड्री थी जहां से ये तीनों गायें बरामद हुई हैं साबिर। इसके अलावा दो अन्य लोग मौके से पकड़े गए हैं। इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इनको जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।